बच्चा को आप कहें कि अच्छी बाहर आ जाए, क्यों बच्चा हम कब्रिस्तान जा रहे हैं। नदीम भाई, ये आपको पता है कोरोना वायरस का? नहीं तो आप ये छुट्टियां मनाने निकले हुए हैं, बात करते हैं। पानी है, आप लोग एहतियात करो, हम कर रहे हैं जितनी करनी हम कर रहे हैं एहतियात। लग रहा है बच्चों के बैग शैग पड़े हैं, ये भी आउटिंग के लिए निकले हुए हैं। साहब जो है गुजरांवाला से आए हुए हैं, और गुजरांवाला से आए हैं सिर्फ पुप्पो के घर। अब इनको क्या बताओ, इनको क्या बताओ कि कोरोना वायरस क्या? पीछे आए जरा, अब ये देखें, थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं जो अफसराने वाला हमारे सड़कों पे खजल हो रहे हैं। कब तक हम लोग झूठ बोलते रहेंगे और कब तक हम अपनी फोर्सेस की इज्जत नहीं करेंगे? लेकिन अब साल बाद जब कब्रिस्तान जाना होता है भाई, इसमें कौन सी गलती है? आपने तो बच्चों को फिर क्यों लेके आए? तो बच्चे हैं तो जाएं, वो नहीं मिले, वो ना मिले अपने नाना को दादा को। ये भाईजान पिछले आधे घंटे से एजी ऑफिस का सुना रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपका एजी ऑफिस में कौन होता है? सर असी ना गए अपना साढ़ा भाई नहीं सी ठीक हैगा, हॉस्पिटल असी गए सा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? जी नदीम अली। नदीम भाई, ये आपको पता है कोरोना वायरस का? तो आज कहाँ पर निकले हुए इतने ज़्यादा बच्चों को लेकर? घर में जा रहे हैं जी, घर में जा रहे हैं। घर जा रहे हैं, कहाँ गए हुए थे? अपने लाल घर में, यहाँ पे घर पे गए थे, अपने बच्चों के घर जा रहे हैं। नहीं तो आप ये छुट्टियाँ मनाने निकले हुए हैं? कुछ भी नहीं मनाने, बच्चे जिद कर रहे हैं, अपने घर पे जा रहे हैं। नहीं बच्चे तो जिद कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी कोरोना वायरस से डर नहीं लग रहा जितने केसेस लाहौर में हो रहे हैं? भाई सबसे ज़्यादा लग रहा है, क्या करें, घर पे जा रहे हैं, अभी 15-20 दिन हो गए यहाँ पे फंसे हुए, घर में तो जाना है। नहीं तो आप घरों में क्यों नहीं बैठ रहे हैं, किसकी को रीज़न तो बताएं भैया। पहले कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी अपने घर में जा रहे हैं। चालान कर रहे हैं आप, क्या नज़र आ रहा है? आवाम जो है वो बाज नहीं आ रही सड़कों पर निकलने से? काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरी तरह आगा ही नहीं है, या कुछ लोग हैं आउट ऑफ सिटी, कुछ लोग लाहौर में रुके हुए थे अभी कोई वापस जा रहे हैं, जैसे ये भाई हैं, ये गुजरांवाला के रहने वाले हैं, अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं इसी तरह। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स पे जा रहे हैं, कोई पेशेंट है मोटरसाइकिल पे, उनको पीछे बिठाया हुआ है, या गाड़ी में है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि दो से ज़्यादा अफराद गाड़ी में सवार नहीं होंगे, देखने में आ रहा है कि तीन लोग भी गाड़ियों में बैठे हुए हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो कोई ना कोई पेशेंट उनके साथ होता है, या कोई अपने किसी काम के लिए निकले होते हैं। मरीज़ जो अगर साथ होता है उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करते। उसके अलावा जितने भी हैं वो गाड़ियों में दो से ज़्यादा अफराद जो सवार हैं उनको चलान दिए जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे जो एक से ज़्यादा बैठे हैं उनको चलान दिए जा रहे हैं। इसी तरह चिंची रक्षा मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है, वो बाहर नहीं आ रहा। ऑटो रक्षा वो चंद एक देखने में आ रहे हैं, उनके खिलाफ़ भी मौसर कार्रवाई हो रही है। जी शुक्रिया जी, आपने देखा ये नदीम साहब है, ये भाई साहब जो है गुजरांवाला से आए हुए हैं, और गुजरांवाला से आए हैं सिर्फ पुप्पो के घर। बच्चे तंग कर रहे थे, आइए हम आपको दिखाते हैं कि उनके साथ बच्चे कितने नज़र आ रहे हैं, ये दिखाएं भाई, ज़रा दिखाइएगा। ये देखें दो छोटे बच्चे, अब इनको क्या बताओ, इनको क्या बताओ कि कोरोना वायरस क्या? पीछे आए ज़रा, अब ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो ज़िद करेंगे पुप्पो के घर जाना, छुट्टियाँ हुई है, लेकिन ये भाई साहब को चाहिए था कि घर से निकलने से पहले थोड़ा सोच लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख जावेद और आप देख रहे हैं पाक 360 यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन जो है आज 17-18 दिन हो गए हैं, और कल से देखने में आ रहा है। अब सबसे पहले मेरा कैमरामैन जो आपको दिखाएगा, ये पीछे जो व्यू है, ये हम लोग इस वक्त फिरोजपुर रोड पर मौजूद है, जहाँ पर आप ट्रैफिक देख सकते हैं, और ट्रैफिक की गहमा गहमी जो है वो कल से बढ़ती जा रही है। और जैसे आवाम सड़कों पर निकलना शुरू हो गया, जैसा कि लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया हो, हैरत की बात है कि कल से जो है वो ट्रैफिक वार्डन हमारे जो हैं उन्होंने भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है, और पूरे लाहौर में जो है उन्होंने चालान करने शुरू कर दिए हैं, और रिक्शा जो है उसको उन्होंने प्रॉपर जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। ये देखें जैसे जैसे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, पूरी पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो सफ़र पे निकली हुई हैं। अगर आप किसी से बात करें तो कोई कहता है राशन लेके जाना है, कोई कहता है बीमार हो गए, कोई कुछ कोई कुछ। क्यों बच्चा हम कब्रिस्तान जा रहे हैं, इसमें कौन सी गलत बात करती है?
आप ज़रा देखें, ये हमारी जो हतून बहन है उनका ज़रा एटीट्यूड चेक करें आप। ये जितनी गाड़ी है 2% लेकिन अब साल बाद कब्रिस्तान जाना होता है भाई, इसमें कौन सी गलती है? आपने तो बच्चों को फिर तो बच्चे हैं तो जाएं, वो नहीं मिले, वो ना मिले अपने नाना को दादा को, नहीं वो ना मिले अपने आप देखें जरा, ये हमारी बहन है, आइए इनसे बात करते हैं। पानी है, आप लोग एहतियात करो, हम कह रहे हैं हमने जितनी करनी हम कह रहे हैं एहतियात, ठीक है? हमने एहतियात करनी। आप जरा बिहेवियर चेक करें आवाम का। और मैडम बाजिद है वो कहती है जी हमने चलान नहीं करना। अच्छा भाई मुझे ये बताइएगा, पहली बात तो ये है, ये हमारे अफसराने बाला हैं, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे खड़े हैं। मेरी बहन जिस तरह वो बात कर रही हैं, आप बिलीव करें मुझे ज़ाती तौर पे बुरा लग रहा है। वो कह रही हैं कि कब्रिस्तान जो है वो जाना क्या ना जाएं, आपको नहीं पता कब्रिस्तान जाने से गवर्नमेंट ने मना किया है सर, मना तो आपको नहीं पता कोरोना वायरस चल रहा है। कह रहा हूं, मैंने रिक्वेस्ट ही की है उनसे, यही मैंने नहीं बता। वो हमारी जो बहन है वो जिस तरह बात कर रही थी, आप उनको समझाएं घरों में बैठना ज़रूरी है, घरों में बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने अफसराने बाला से ही बदतमीजी सड़कों पर शुरू कर देंगे, आप देख रहे हैं कितना रश नज़र आ रहा है, कितना रश नजर आ रहा है आपको पता है कोरोना के जज्बाती वजह से रोजा रखा हुआ है। मुझे एक बात है, कोरोना वायरस के कितने केसेस हुए लाहौर में आपको पता है? वह 2000 से ऊपर हो गए। नहीं लाहौर में आप बताओ कि कोरोना से डरना है या नहीं डरना। अगर ऐसे में हमारी माँ बहनें जो हैं या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े जो हैं, अगर वो भी इस बात को नहीं समझेंगे तो हम लोग कैसे गुजारा कर पाएंगे? रोज़ बरोज़ जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये बात ख़त्म हुई नहीं है, अभी हम जब तक आपको सड़क पर रहेंगे आपको सारी मालूमात देते रहेंगे। पुलिस और वार्डन पुलिस जो है वो इस बात को तय नहीं कर पा रहे कि आवाम से क्या पूछा जाए। जब भी आवाम से पूछा जाता है तो आवाम आगे से बड़े जज्बाती जो हैं वो बातें करना शुरू कर देते हैं और जज्बात से भरी बातें जो है वो पुलिस को और वार्डन पुलिस को मजबूर कर देती हैं। लेकिन जज्बाती बातों को छोड़ते हुए हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ये देखें अभी ये भाई जो है डबल सवारी की पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो निकले हुए हैं, लोग जो है वो एंजॉय करने के लिए निकले हुए। ये देखें एक गाड़ी में चार चार लोग जो हैं वो जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। ट्रैफिक पुलिस हमारी जो है वो भी इस वक्त परेशान है और जो हमारे पुलिस वाले भाई जो हैं वो भी बड़े परेशानी में नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये रश देख रहे हैं आप लोग, ये देखें आप देख रहे हैं ये सारी सिचुएशन। अब एक गाड़ी में अगर चार चार लोग फिरेंगे तो कैसे सिचुएशन चलेगी? यहाँ पर भी एक रिक्शे का चालान किया जा रहा है और बाकी सूरत हाल जो है हम आपको बताते रहेंगे, आगाहे बगाहे जो है हम आपको सारी सिचुएशन बताएंगे, क्योंकि लाहौरियों को जो है वो लॉकडाउन में बंद करना घरों में बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और पता नहीं अब ये क्या लाए अमल बनाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे साथ बहुत ही दबंग किस्म के हमारे ट्रैफिक अफसर हैं। ये फैमिली कहाँ से आ रही है? फैमिली हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं। अच्छा, पैरामेडिकल स्टाफ है, सारा कुछ है उनके पास और बड़े ही शफीक लोग हैं हमारी खिदमत के लिए। जी जी ठीक है, इनका तो बनता भी है जी, ये पैरामेडिकल स्टाफ है, इनकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर से ज़्यादा जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ हमारे काम आता है। जी बिल्कुल, इनको हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे एक ट्रैफिक ऑफिसर जो है वो भाईजान से बात कर रहे हैं, लेकिन भाईजान मुसलसल जो लगातार है ना उनके साथ मुझे लग रहा है थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे पूछेंगे ज़रूर कि भाई जो हालात चल रहे हैं इस वक्त मुल्क के, ऐसे में क्या हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, जो अफसराने वाला हमारे सड़कों पे खजल हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आवाम को बचाया जा सके, उनसे बदतमीजी करना कितना मुनासिब है? अस्सलाम वालेकुम भाई जान। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा प्यारे भाई, मुझे सिर्फ ये जानना था कि आप ठीक है, आप वकील हैं, अच्छी बात है माशाल्लाह। बात नहीं है, देखिए मेरी बात सुने, सारी चीज़ें एक साइड पे, आप लोग खुद कहते हैं ना कि एमरजेंसी की सूरत में निकलना पड़ता है, ऐसा ही है। मुझे एक बात बताएं, एमरजेंसी हर दूसरे बंदे को इस वक्त एमरजेंसी है। बताता हूँ ना जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, आप मीडिया है ना, अगर यहाँ पर मेरी फैमिली गाड़ी में ख़राब हुई पड़ी हुई है, बेटी की तबीयत खराब है, गाड़ी बंद है, तो मुझे बताएं मैंने भाई को लेके जाके उसको गाड़ी को स्टार्ट करवाना है कि नहीं करवाना, ये राइट है कि नहीं राइट? मेरी बेटी बीमार है, मुझे पता इस बात का है। आपकी बेटी? ये सामने मेरा ऑफिस है, उसमें गाड़ी खड़ी हुई है। ऑफिस में आप क्या कर रहे थे? ठीक है, मैं लेके जा रहा हूँ, बंद हो गया, उसमें क्या मसला है मुझे बताओ? उसमें गाड़ी मेरी ऑफिस खड़ी रहती है, क्योंकि घर में लेके नहीं जाता, वहाँ पार्किंग प्रॉब्लम है। बेटी आपकी ऑफिस में इस वक्त क्या कर रही है? इस वजह से कि मैं लेके आया था,
गाड़ी स्टार्ट ही उसको मैंने इधर बैठाया और साथ ही मैं मैकेनिक को लेके आऊँ कि यार के चलो कोई बात नहीं गाड़ी स्टार्ट करो। ऑफिस किस चीज़ का आपका? मैं एडवोकेट कंसल्टेंसी का ऑफिस है मेरी। तो आपको मेरे ख्याल से पता नहीं आजकल शायद जो आजकल वो कला आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपको एक घंटे का टाइम ऑफिस खोलने का मिला हुआ है। एग्रीड, लेकिन जैसे कहने का ये मतलब है मुझे आप लोग मुझे आप एक वकील है मुझे सिर्फ एक बात मेरे भाई बता दें कि ट्रैफिक पुलिस वाले जी बिल्कुल या हमारे पुलिस फोर्स या हमारी आर्मी बात सुन लें, अगर डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ अभी वो पैरामेडिकल स्टाफ थे चार पांच लोग थे उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर हम इनको जो लोग सड़कों पे निकले हुए हैं हमारे लिए अगर हम उनके साथ बदतमीजी करेंगे या रवैया गलत इस्तेमाल करेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये की थी कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है बस ये है। देखें ये आप बाइक का नंबर देखें ज़रा, एडवोकेट हाई कोर्ट इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी अगर हमारी वकला बरादरी हमारे जजेस हमारी फोर्सेस हमारे डॉक्टर्स या हमारी ब्यूरोक्रेसी अगर इन भाइयों के साथ तावुन नहीं करेगी पुलिस फोर्सेस के साथ तावुन नहीं करेगी जब ये जब पुलिस एहलकार उनसे पूछेंगे तो जज्बाती बातें शुरू हो जाएंगी। आपको मैं आपको दिखाता हूँ इधर से आएँ ज़रा ये चेक करवाएं ज़रा इनको। कब तक हम लोग झूठ बोलते रहेंगे और कब तक हम अपनी फोर्सेस की इज्जत नहीं करेंगे? अगर ये हमारे ट्रैफिक वार्डन जो हैं आज चालान कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई रीज़न तो होगी ना। रीज़न सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप लोगों ने अपने घरों में रहना है। अभी इस फैमिली से हम बात करने की कोशिश करते हैं, आइए जब हम उनसे बात करेंगे तो यकीनन मैं आपको पहले बता रहा हूँ इन्होंने कहना है हम अस्पताल जा रहे हैं हम लोग राशन लेने जा रहे हैं। इन दो बातों के अलावा आपको यहाँ पे कोई बंदा बात करता नज़र नहीं आएगा। अपना रिक्शा है ये पीछे आपकी अपनी फैमिली बैठी हुई है। किधर जा रहे हैं आप लोग? मुझे आप ये देखें ये भाई साहब ने फ़ौरन से पहले पाँव दिखा दिया है। अपना पाँव चेकअप कराने के लिए आ गए हैं ज़रा। ये पूरी फैमिली जो है वो अपना पाँव चेक करवाने के लिए जा रही है। आप अंदाज़ा करें आवाम को रोकना कितना मुश्किल हुआ हुआ है। लेकिन आज हम इसी सड़क पर रहने वाले हैं और इसी सड़क पर रहते हुए हम आपको दिखाएंगे कि जो हालात चल रहे हैं ना वो किस तरफ जा रहे हैं। पूरे सिंध में इतने केसेस नहीं हुए थे जितने हमारे सिर्फ लाहौर में हो रहे हैं जी। रोज़ बरोज़ कोरोना वायरस के जो टेस्ट पॉजिटिव निकलते जा रहे हैं और लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें लाहौरियों की तो लाहौरिये जो हैं वो घर पर बैठने के लिए बिल्कुल भी आमादा नहीं हो रहे और गवर्नमेंट जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले उनको रोकना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। इस वक्त हम लोग फिरोजपुर रोड पर मौजूद हैं जहां पर हम आपको सिर्फ ये दिखाएंगे आज कि किस तरह लोग जो हैं पकड़े जाने के बाद जो बहाने करते हैं। आप जितने भी लोग हम आपको दिखाएंगे या तो उनका कोई मरीज़ अस्पताल में होगा या फिर वो अस्पताल जा रहा होगा या फिर वो राशन लेने निकला होगा। इन दो बातों के बाद अगर आपको कोई बात मिली तो मैं आपका गुनहगार ज़रूर बनूंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ हम आपको और भी दिखाएंगे कि जज्बाती बातें हमारे लाहौरियों में इतनी पाई जाती हैं कि आप पुलिस वाला या वार्डन पुलिस आपको जब भी रोकेंगे इनको तो वो जज्बाती बातें करना शुरू कर देंगे लुटे गए मरे गए फड़े गए। लेकिन इसके साथ साथ आज हमको ये भी दिखाने वाले हैं कि किस तरह लोग बहाने करते हैं किस तरह लोग झूठ बोलते हैं। सर आप कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? बच्चों की नानी पोत होगी। कब? आज। उधर जा रहे हैं? आ रहे हैं वापस। नहीं आज पोत हुई है तो जनाजा कब जनाजा पड़े हैं? जी ठीक है इनकी वालदा इनकी नानो फोत हो गई थी इनको जाना पड़ता जी आप जाएं प्लीज़। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ पुलिस वाले जो है ना इस वक्त मुझे बड़े मजबूर लग रहे हैं। अभी ये हमारे इजाज़ साहब हमें बता रहे थे कि एक रिक्शे वाला जब इन्होंने रोका रिक्शे वाले को तो वो रिक्शे वाला कह रहा था कि मुझे डेली का जो स्टैंड का ना वो रिक्शे का 100 रुपया देना पड़ रहा है। 100 रुपया रिक्शे वाले को अगर देना पड़ेगा डेली का तो जाहिर है उसको तो सड़कों पर निकलना ही पड़ेगा। कि कहां से आ रहे हैं और कहां पर जा रहे हैं मुझे लग रहा है बच्चों के बैग शैग पड़े हैं ये भी आउटिंग के लिए निकले हुए हैं। गुलाम मुर्तजा भाई हमें क्या करने चाहते हैं अभी आपको दिखाते हैं। मैं आया हूँ साथ बात बच्ची से बच्चा है अकेला यहाँ पे और बच्ची को मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ। अब इसको मैं लेके 12 दिन से मैं बंद हूँ लेकिन मजबूरी के तहत मैं ठहरा हूँ। वहाँ से मैंने सामान लिया है जो डिलीवरी घर का सामान है। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ इस्लामाबाद नहीं जन्म जाना जन्म जाना सुबह मैं 4 बजे का निकला हूँ जी।
साथ में लेके आया ताकि मैं रास्ते में कोई मसला ना हो मुझे। वैसे तो मैं अकेले भी आ सकता हूँ, मैं मजबूरन उस बंदे को साथ लेके आया। जी वो तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन 144 पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं लग रहा आपका। ज़्यादा बिल्कुल ना, तो आप कह रहे हैं कि शायद पूरी भी इंसान को थोड़ी, मैं और ये है ना मिसेज है सर, वो बंदा है सर, वो हेल्प के लिए मैं ले गया हूँ साथ, सिर्फ हेल्प के लिए, और कोई मसला नहीं। जी मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारी जो ट्रैफिक पुलिस जो है वो उतना ही तावन कर रही है आवाम के साथ जितना उनको करना चाहिए। कानून की बात नहीं मानते तो लोग सिफारिशें करना शुरू कर देते हैं, तो आजकल ये कितनी मुश्किल हो रही है। मुश्किल तो है बस, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जीरो टॉलरेंस है, हमें ज़िंदगी चाहिए, सिफारिश तो फिर भी बाद में मानी जा सकती है, अभी फिलहाल लोगों की ज़िंदगी का सवाल है तो हम लोगों की ज़िंदगी बचाना चाह रहे हैं। जी यकीनन आपने हमारे आज एक भाई नहीं, हमारे ट्रैफिक वार्डन, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन से हम बात कर रहे हैं और उनके जो दिल हैं वो हमारी आवाम के लिए कितने साफ़ हैं ये आपको आज नज़र आ रहा होगा। वो हमारे जो लाहौरी हैं ना वो सिफारिशें भी बहुत डालना शुरू कर देते हैं। अभी ये भाईजान को रोके हैं तो उन्होंने सबसे पहले बात ही ये की है कि मेरे भाई जो हैं वो एजी ऑफिस में होते हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि कौन से एजी ऑफिस में होते हैं। ये भाईजान पिछले आधे घंटे से एजी ऑफिस का सुना रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपका एजी ऑफिस में कौन होता है? सर असी ना गए अपना साढ़ा भाई नहीं सी ठीक है हॉस्पिटल असी गए सर। एजी ऑफिस में आपका कौन होता है, उनका नाम तो ज़रा बताएं सर। मेहरबानी करो मुझे बताएं एजी ऑफिस में आपका कौन होता है सर? भाई है बड़ा। उनका नाम क्या है? गुलाम अब्दुल। उनका डेजिग्नेशन क्या है? हेड कांस्टेबल है। तो क्या आपने उनको फ़ोन किया तो वो क्या कहते हैं कि कोरोना से नहीं डरना? हाँ वो कहते हैं कि कोरोना से नहीं डरना, वो कहते डरना है, वो कह रहे डरना है। आपने 400 आप ज़रा मेरे साथ हैं दिखाएं जी ज़रा इतनी। आप लोगों को पता भी है कि जो मामलात हैं वो बुज़ुर्गों को जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है कोरोना। सर वो तो छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानी थी कि आप उनके लिए आए हैं या वैसे गुजर रहे थे? तो गुजर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा व्यूवर्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं लेकिन इनका उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सर आप तो माशाल्लाह चले इसी बहाने जो है मैसेज दे दें लोगों को कि आवाम जो है ना वो बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही, तो ऐसे में पुलिस वालों को क्या करना चाहिए? अभी एक भाई गुजरे हैं वो कह रहे थे मैं एजी ऑफिस में होता हूँ, दूसरा भाई बोल रहा था मेरे भाई एजी ऑफिस में होते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? गुजारिश ये है कि यहाँ नाकों पर जी लोगों को तबलीग करनी चाहिए, बताना चाहिए कि ये इतनी वबा है इससे आप बीमार हो सकते हैं, चलान नहीं करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। ये आवाम भी ठीक नहीं कर रही लेकिन इनको गाइडलाइन की जरूरत है। हमेशा ये होता है सिविल सर्वेंट क्या होते हैं, सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो खिदमतगार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं? सर ये आगे दिनागा के आगे हमारा घर है, उधर जा रहे हैं, आ धर्मपुर से ले रहे क्योंकि बेसिकली आपको पता है पार्किंग का इशू हुआ हुआ है, तो मैं अपने वालिद साहब के घर गया था, अब अपने घर वापस आया। नहीं तो आपको पता है लाहौर में केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को अगर आपने जाना था तो आप अकेले चले जाते या हमारी बहन को साथ ले जाते, लेकिन ये बच्चों को अगर आप साथ ले के सड़कों, आपको पता है लाहौर में कितने केसेस हो गए हैं? हाँ जी काफ़ी ज़्यादा हो। कितने हो? आपको पता पूरे सिंध में इतने केसेज नहीं हुए जितने केसेज सिर्फ लाहौर में हो रहे हैं, 1000 प्लस हैं। तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, एटलीस्ट छोटे छोटे बच्चों का तो ख्याल रखना चाहिए। जी आपने जैसे पुलिस वालों के मसले मिसाल सुने, जहाँ पे आपने ट्रैफिक वार्डन के मसले मिसाल सुने, वहाँ पे आपने लाहौरियों के बहाने भी सुने होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला कोरोना वायरस जैसी वबा को बहुत जल्द हमारे मुल्क में से खत्म कर देंगे। उसी के साथ आपने मेरे साथ शेख जवेद को इजाज़त दें, और जाने से पहले अगर आपने पाक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दें। थैंक यू।